अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट पाट होंगे। कुछ बातें जो करनी थी आपसे, तो मैंने बोला गेम के ज़रिए करते हैं ताकि थोड़ा मज़ा ज़्यादा आए। तो पहले तो ये कि मैंने GTA 5 थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि वायरस आ गया था तो सारे मेरे सेव जो थे वो चले गए। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ नहीं जो वापस से दोबारा अपने सेव लाता फिर और ये सब करते हुए। तो मैंने बोला चलो PUBG पे आते हैं, और व्यूज़ भी मुझे थोड़े से इस पे बेहतर मिल रहे थे उसके मुकाबले में GTA 5 के। तो मैं इस पे आ गया, ठीक है अब हम खेलेंगे यही PUBG। अच्छी बात ये, मेरा गेम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है बदौलत स्टार अनोनिमस, टेकास, एंटीना गेमिंग, ये जितनी भी हैं, AK-47 भाई है मेरा, ये बहुत अच्छा खेलता है। तो हम आए थे, हमें उजी मिल गई थी, एक बंदा VSS से उस टावर से बंदा मारा था घर के ऊपर से, तो मैंने उसको नोट किया, लेकिन वो बहुत प्यारी खिला रहा था VSS। तो जैसे मैं उसको मारने की कोशिश की तो वो झुक गया, मतलब ना बड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया, और अब उसको एम आ गया मेरे पे। पिंग बहुत अच्छी आ रही थी, यकीन करें पाकिस्तान में एक से एक PUBG का अच्छा प्लेयर बैठा है, बस सिर्फ और सिर्फ पिंक का मारे हैं हम। पिंक के मारे ना मर जाते हैं बाकी और कोई मसला नहीं है हमारा, बहुत प्यारा खेलते हैं हम सब लोग। तो हम यहाँ आए, हमने इसकी लूट वूट की, और गन मुझे अच्छी खासी मिल गई थी इसके पास, ये पचंकी में ही मिल गई थी। मैं तो बस उसको ऐसे चेक करने आया, तो खारिज होती है ना थोड़ी लूटिंग वाली वाली निगरानी, तो वेस्ट सी नहीं, इसलिए दो तीन गोलियों में यूज़ की मर गया। तो अब मैं यहाँ से घर पे, जब सामने वाले घर पे जाऊँगा मैं समझा ख़त्म हो गया, ख़त्म तो साउंड आ गया, और मेरी ना सीन चेंज हो गया थोड़ी सी, क्योंकि मेरे लिहाज से क्या बंदे सब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से थोड़ी लूट वूट करके हम जाएंगे ऊपर, और वो अब मेरे पीछे वाले घर में, सामने वाले घर में, ब्लू वाले में, अब वो नेट करेगा, जैसे नेट की पिन की आवाज़ आएगी मैं फ़ौरन पीछे भाग जाऊँगा। और नेट मतलब ऐसा था कि मैं मर सकता था, क्योंकि मैं बिल्कुल पीछे ही जाने वाला था। मैंने बोला चलो अंदर चल लेते। अब ये बंदा रोटेट करके मेरे पीछे वाले घर में आएगा ताकि मुझे मार सके, लेकिन वो जो होती है ना थोड़ी सी लूटिंग की ख्वाहिश, वो कभी कभी मरवा भी देती है। अब ये थोड़ा सा यहीं सस्ते आगे पीछे होके ये आ गया सामने वाले घर में, और अब मुझे इनकी यकीन हो गया था कि मैं अकेला नहीं बचाऊँ, और भी काफ़ी बंदे हैं जिनसे भी मुकाबला करना है। अभी किल फील्ड में एक नाम आएगा FM मंसूर, कनाडा का लड़का था, बहुत प्यारा खेल रहा था, और उसको तो मारा ना तो बड़ा मज़ा आ गया, रॉयल पास वाला बंदा था। अच्छा रॉयल पास वाले बंदे को मार के अलग ही खुशी मिलती है कि पैसे डुबा दिए इसके हमने, जबकि उसका नुकसान कोई नहीं हुआ था, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि हमने मार दिया। अब सामने वाले घर बंदा आ गया, और ये इतना प्यारा एंगल मिला था मुझे, तो बस क्या बताऊँ मैं, खुश को ठिका नहीं था। और इसी के चक्कर में, इसी की लूटिंग के चक्कर में एक और चाचा हील था वहीं आ गया, और उसको भी हमने इसी एंगल से बड़ा टिका टिका के मारा। अब इन सब के अब टाइम देख लो, अभी रेड जोन शुरू हो चुका है, टाइम 0-0 है, ठीक है। मैंने होल्ड किया, मुझे एंगल अच्छा नहीं मिल रहा था, बंदा मेरे सामने फिर रहा था FM मंसूर, बस मुझे एंगल अच्छा नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं बार बार ना मार खा रहा था। ये आ गया FM मंसूर, इस पर नज़र थी मेरी, इसको मार रहा था, और अलहमदुल्ला मारा, अलहमदुल्ला मारा। स्कॉट हाउस में आया मैं, ये बंदा चर्च पे, मैं समझ रहा हूँ ये सामने वाले घरों में, जो अजीब सा घर नहीं, ये अजीब सा घर समझ में नहीं आते मेरे को बिल्कुल, हरे वाले मैं समझे यहाँ पे। और अब एक Kar98 का शॉट आएगा मुझे पट से, गलती से ये हो गई, मेरे पास थर्ड लेवल की वेस्ट थी उसने मचा लिया, वरना मैं चले जाता। पिंग देखूँ उसकी कितनी आ रही है, मैं दरवाजे के पीछे आ चुका हूँ, मुझे जब भी गोलियाँ लग रही हैं टीम उस पर, तब मेरी गोलियाँ जा रही हैं लेकिन उसको लगी नहीं रही है, क्योंकि उसकी पिंग बड़ी प्यारी। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा सा डाउन हुआ, मैं बोला पहले हील कर लेते हैं फिर देखेंगे। इतनी देर में ना घबरा गया मैं, घबरा गया और मैं वापस से भाग गया, तो ये सामने आया, और इसको अब जो बड़ा स्टार अनोनिमस की तरह सामने आके टिका के मारा, बड़ा मजा आया मेरे को। तो देखो ऐसे मरे गया, लेट गया स्टार अनोनिमस की ट्रिक, और ये गया पिंग। अभी भी देख लो उसने सिर्फ दो गोलियां मारी और मेरी हेल्थ कितनी कम हो गई। पिंग पहले मैं सोचता था Kar98 लूँ ना लूँ, शायद क्लोज में रेंज में जोन बन जाए, जोन बहुत ना मतलब बंदे ज़्यादा दिख रहे थे मुझे, अभी भी ज़्यादा थे, हाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि अगर अभी बंदे 22 है ना तो मेरे को लग रहा है 22 के बाद बंदे मेरे को देख रहे हो, मेरे को ही मारेंगे। पहले मैं जा रहा था तो मैंने बोला ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी मुझे फ्लेयर दिखेगी इस आसमान पे, फ्लेयर चली है, उस फ्लेयर ने मुझे बड़ा थकाया, एक प्रैंक कर दिया ना फ्लेयर ने, ठीक है। मैंने गलती ये कि नंबर नोट नहीं कम पास में से, बोला चलो ऐसा करते हैं फ्लेयर जाएगी बंदा लूटेगा तब मारेंगे उसको, क्योंकि सोलो वर्से सोलो खेलता हूँ तो भाई सीधी बात, अभी इतने अच्छे नहीं हुए हम, मतलब नूब है अभी पर इतने अच्छे खास नहीं हुए।
तो अब थोड़ा कचरा वचरा हमने बाहर बाहर निकाला। कारना एंड इटली स्किन्स ये बहुत प्यारी लगती है मेरे को, दोनों की दोनों, एक जैसी ना थोड़ा मतलब सूट करता है। और अब हम बाइक पकड़ के निकलेंगे आगे। गलती ये हो गई, मेरे फ्लेयर का जो नंबर था ना कंपास में से वो नोट नहीं किया, और मैं भूल गया कि वो कहाँ गिरा है, क्योंकि मुझे आस पास आगे पीछे कहीं पे भी नहीं दिख रहा ड्रॉप, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया बड़ा। मैं पहले सामने वाले कंपाउंड में जा रहा था तभी मुझे गोलियों की आवाज़ आई, ये बराबर थी। और ना कभी कभार ऐसा होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत सही बहुत कड़क चमकर ना नर्वस कर देती है। मैं इस तरह बड़ा खतरनाक नर्वस हुआ था, उल्ला पाक का काफ़ी बहुत बहुत शुक्र है कि मैं निकल गया वहाँ से। अब देखो पहले मुझे दिखी बग्गी, मैंने सोचा आगे बंदा होगा, आगे UVZ दिखी मेरे को, तो दिखाता हूँ अभी आपको, सब्र करो भाई। लाइक कर दो प्लीज़ मेरी वीडियो, उसको लाइक कर दिया करो, मेरे चैनल जाके चूस लो, जो जो नए लड़के आए हैं, जो जो नए बंदे हैं अभी देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को खा जाओ, क्योंकि काफ़ी वीडियोस भरी हुई है, जाके कोई देख रहा है, बस मसला ये है। पर कोई ना, अल्लाह दिखा देगा, तुम खुद देखो, एक मसला नहीं है। अब मुझे ये लग रहा है कि इनको कोई बंदा अगर मार के भागा है तो उसने अभी मारा है, और वो ओपन इलाका तो वो कहीं गया नहीं होगा। एक मेरा दिल ये कर रहा है कि ऐसा करते हैं वहाँ जाके लूट करते हैं, लूट इतनी अच्छी होगी। मतलब मैं बहुत नर्वस हो रहा था, और एक डर ये भी खाया जा रहा था यार ड्रॉप कहाँ गिरा है, क्योंकि फ्लेयर मुझे दिख नहीं रही, फ्लेयर चली तो है लेकिन अब नज़र नहीं आ रही कहाँ है। देखो कितनी नर्वस हूँ मैं अभी भी, और ना मेरा रोसा है, मैं शहरी के फ़ौरन बाद अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो बस बस मेरी वीडियो सीख लिया करो यार, मेहरबानी करो। और तो मैंने एक फैसला किया कि यहाँ से चलते हैं चुपचाप, मैं देखता ही इनको कि ये है, क्योंकि मैं देखूँगा मैं चले जाऊँगा। मैं सब जब बंदा यहाँ होगा तभी मुझे फ्लेयर नज़र आई ऊपर की ही, मतलब चलो फ्लेयर तो दूर है, बच गया मैं। और जब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो मुझे ड्रॉप दिख जाएगा अपने लेफ्ट साइड पर, वो रहा ड्रॉप। मतलब ये क्या हो रहा है, वहाँ गाड़ी भी खड़ी है, अब यहाँ अलग डर है, और यहाँ एक बड़ा ना बेहतरीन मैंने शॉट दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो मेरा शॉट। जब भी आप किसी पे थर्ड पार्टी करो, अकॉर्डिंग टू मैं इतना कुछ खास प्लेयर नहीं हूँ, बिल्कुल नूब हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक मतलब एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है। ये गाड़ी आ रही थी, मेरा दिल किया मैं शॉट दूँ, पर मैंने बोला उसको लोकेशन मिल जाएगी इसलिए नहीं देता। जिस पर आप थर्ड पार्टी करो तो देख लो कि वो किस तरफ शॉट दे रहा है, और फिर आपको भी उस तरफ ही दिख रहा है, क्योंकि वो बंदा फिर आपको मार देगा, जैसे कि मैंने इसको मारा, और ये बंदा वहाँ दिख रहा था जहाँ पर वो लाल गाड़ी गई थी। पहले मैंने इसको मारा, और मैं थोड़ी सी आगे आके वहाँ स्कोपिंग करने लग जाऊँगा जहाँ पे लाल गाड़ी खड़ी थी, और वहाँ ना मतलब अगर मैं नहीं करता ना मैं मर जाता। बहुत 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 बेहतरीन शॉट लगा था, अब अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन अभी ये लाल गाड़ी वो बराबर में गिली सुकून बंदा दिया मुझे, इसको तो ऐसा अंत शॉट दिया था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने दिया, सीधी बात। वो बिल्कुल हल्की सी पीक के, ओहो भाई तुर्किश लड़का था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मैंने दिया है, मेरे हाथ कांप गए कि ये क्या हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक कर दो मेरी वीडियोस, लाइक कर दो और कमेंट करके बताया करो। देखो मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जोन आगे बन गया था जॉर्जो की तरफ, तो अभी सिर्फ तीन जगह थी, या तो बंदा जॉर्जो पुल जाए, पहाड़ी के ऊपर जाना तो बेवकूफ़ी सबकी एम वहीं होता है, या तो जॉर्ज के बराबर में जो स्क्वाड हाउस है वहाँ पे, या फिर स्नाइपिंग टावर पे। तो मैंने बोला ऐसे करते हैं स्नाइपर टावर पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ शायद बंदे भी कम है, और कोने पे तो मुझे पूरा एक ना व्यू मिल जाएगा। और अपनी जो गाड़ी है वो मैं स्नाइपिंग टावर पे खड़ी नहीं करूँगा, बेवकूफ़ी हो गई, क्योंकि सब समझ जाएंगे कि बंदा स्नाइपिंग टावर पे, तो उसको दरिया का जो रिज है ना, एक बड़ा छोटा सा रिज है, तो वहाँ जाके लगाते हैं, और वहीं एक सीन हो गया, प्रैंक कर दिया किसी हमारे साथ। ये देखो मैं चुपचाप जा रहा हूँ इज्जत से, मुझे नहीं पता पीछे बग्गी है, मैंने यहीं लगा देती हूँ कि यहाँ कोई देखेगा वैसे भी नहीं। बग्गी है ब्रिज पे, अगर वो वहाँ रुकती ना तो मैं यहाँ रुक जाता, वो रुकी नहीं, मैं समझा वो आगे जाके मैं मार दूंगा उसको, वो पत्थर का लेके, और अब बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देख लो। क्या हो रहा है? ओ भाई यकीन करो मेरा दिल ना बस बाहर चले गया था। मतलब मैं अगर सीट पे बैठा हूँ ना अपनी, तो मेरा दिल मॉनिटर को लग के वापस आ रहा था। ऐसा सीन हो गया था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैंने उसको मार दिया, क्योंकि हम दोनों ही 1 HP थे, बिल्कुल 1 HP थे, और दोनों की मैगजीन भी एक साथ ख़त्म हुए हैं, लेकिन शायद उसका एक्सटेंडेड नहीं था, ओवर क्विक जो होता है क्विक ड्रॉ नहीं था उसका, इसलिए उसको जल्दी लोड नहीं हुआ। अब टाइम देख लो, मैं रुक गया हूँ, मैंने स्नाइपिंग की चली गया हूँ मैं। अब गलती यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैं हो गया थोड़ा चौड़ा,
और जब भी कोई बंदा चौड़ा होता है ना वो फौरन नीचे आ जाता है दिखना है भी। मैं सामने देख रहा हूँ कि बंदा सामने आएगा मैं उसको मार दूंगा, ये मेरी प्लानिंग है। पांच बंदे बचे हैं, सात मैंने मारा अल्लाह का शुक्र है, और अब ना प्रैंक हो जाएगा हमारे साथ कि नंगा पतंगा लड़का। अभी देखो जब आप किसी बंदे को देखते हो ना सामने वाला, अभी जैसे एक बंदा नंगा पतंगा, तो ऐसा लगेगा बस समझो शुरू शुरू का, इसको तो कुछ खास खेलना नहीं आता ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे आपको मार दे तो बड़ा अफसोस होता है। आप मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं, मतलब तीन शॉट बचे हैं इसको। पहला शॉट गिनना कितने क्लोज से गया है, जुप जुप की आवाज आएगी उसको, जुप सो कितने क्लोज से बचा है। और अपना बस ये देखो पिंग, सिर्फ पिंग, मेरा शॉट पहले लगा था सिर्फ पिंग। तो भाई बस आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे कल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाला बटन जरूर दबा दो, सब्सक्राइब वाला बटन लाल हो चुका है इतना गुस्सा आ रहा है उसको, तो दबा दो जाके। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम कल, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, रोज़े सारों को, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, और बस अल्लाह हाफिज़।